गुड मॉर्निंग। सो आप सभी जानते हैं कि मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी के पुराने दो कॉलेजेस का, और जो कल NIRF रैंकिंग 2023 निकाली गई है उसमें फिर से MMU बुलाना टॉप 50 में है, और हम सभी जानते हैं वी लव दैट यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोवाइडेड हमारा उतना बजट हो और बहुत महंगा वहाँ पर 1 CR का तो पड़ता ही है। आज जैसे मैंने वीडियो बनाया था कल MMU साधोपुर का, आज मैं आया हुआ हूँ MMU सोलन। बेसिकली मैं हॉलीडे पे हूँ जस्ट बिफोर द एडमिशन सीजन स्टार्ट, और जैसे कहते हैं ना अ सोल्जर और अ कंसल्टेंट इज़ नेवर ऑन हॉलीडे, और शानदार ये लोकेशन है। तो मैंने ना कभी आपको दिखाया नहीं था, हिमाचल के लोगों ने तो कॉलेज देख ही रखा होता, पर जो नॉन हिमाचली होते हैं अगर वो देखना चाहते हैं तो देखिए। पहले मैं आपको लोकेशन समझाता हूँ क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, फिर भी आप थोड़ा सा पीछे देखिए आपको पहाड़ नज़र आएंगे अगर मैं आपको और चला के ले जाऊँ, और बस पहाड़ी पहाड़ हैं। आ जाइए, चाहे आप थोड़ा सा और पीछे आइए तो आपको नज़र आएगा। और तो देखिए होता क्या है, जब आप चंडीगढ़ से शिमला वाले हाईवे पे आ रहे हैं, दिल्ली से शिमला वाले हाईवे पे आ रहे हैं, तो ठीक धर्मपुर एक जगह क्रॉस करने के बाद, और ये आपको वैसे ही बता दूँ फ्यूचर के लिए भी, एक जगह आती है कुमारहट्टी, और उसके ठीक पहले कुमारहट्टी से 200 मीटर पहले एक ब्रिज बन गया है बेसिकली कुमारहट्टी चौक को क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, अगर आप गूगल मैप पे डालोगे इस कॉलेज का नाम जब पहली बार आ रहे हो तो वो आपको पुल पे चढ़ा देगा। वो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, पुल पे चढ़ा के वो बेसिकली इस कॉलेज के ना 2 गेट हैं और वो आपको दूसरे गेट पे ले जाता है। जब आप उस गेट से उतरोगे, उस गेट से सीधा उतरते हो, मतलब बेसिकली ये पूरी कॉलेज हाइट पर जाता है, इससे में जहाँ से हम एंट्री करेंगे, और मैं आप जो एंट्री गेट दिखा रहा था यहाँ से कॉलेज और हॉस्पिटल एंटर होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कॉलेज के बाहर 6-7 केमिस्ट की शॉप, सर मैं बार बार कहता हूँ ना कि केमिस्ट की शॉप एक तरह से दर्शाता है कि कितना पॉपुलर हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर अगर केमिस्ट होंगे तो इसलिए तो है ना कि वो दवाइयाँ बेच सके। सो ठीक बाहर 7 है। बट कमिंग बैक टू द लोकेशन अगेन, तो वहाँ से आप घूम के आओगे तो वो आपको चढ़ा देगा पुल पे, और फिर 6-7 किलोमीटर के बाद एंट्री करेगा और लगातार नीचे आओगे 2-2.5 किलोमीटर कॉलेज के गेट के अंदर, एक गेट वहाँ पर भी है, और आप सीधा फिर आप पहुँचते हो एडमिन ब्लॉक में जहाँ पर एडमिशन्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफिस हैं, और प्रैक्टिकली लेक्चर थिएटर्स भी वहीं पर हैं। और ये दूसरा गेट है जो मेन एंट्री गेट है हॉस्पिटल के लिए, फिर हॉस्पिटल यहाँ से पास पड़ता है, और ये जो रास्ता आ रहा था, ये आ रहा था अगर आप पुल ना लेते, नीचे रहते, कुमारहट्टी चौक है ये जो ओल्ड शिमला रोड थी, और अब कर ब्रिज बना बना के ताकि उसको नॉन स्टॉप रोड बना दिया जाए, जो रिसेंट गवर्नमेंट का वो चल रहा है विजन। तो नीचे से कुमारहट्टी चौक पे पहुँचे आप राइट मारेंगे, राइट मारने के बाद एग्जैक्टली 5.5 किलोमीटर के बाद हम इस रोड से आए जो रोड चलती आ रही थी। पहला 1 किलोमीटर तो बहुत ही भरा हुआ था क्योंकि उसके बाद एक तरह से रोड ब्रेक हो जाती है, और जो दूसरा हाईवे था वो नाहन की तरफ चला गया, जो मेन हाईवे है शायद 709 हाईवे लिखा हुआ था, और लेफ्ट मार के फिर मतलब कुमारहट्टी से राइट मारा और फिर 1 किलोमीटर के बाद दोबारा लेफ्ट मारा, वहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, और ठीक 4 किलोमीटर के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। सो एक्सीलेंट लोकेशन। इस समय 6 जून है, सुबह के एग्जैक्ट 9:45 हो चुके हैं, और आप वेदर देख सकते हैं, और जो मैं हमेशा कहता हूँ एडवांटेज ऑफ स्टडिंग हेयर इज़ अ ग्रेट वेदर। ये देखिए ये सरकारी बसें ये भी जा रही हैं, और क्योंकि मतलब ये चलती रोड है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो 4 किलोमीटर में कुमारहट्टी चौक पहुँच सकता है, और वहाँ से शिमला सोलन की बसेस आती रहती हैं, चंडीगढ़ वगैरह कहीं पर भी आपको जाना हो। इस कॉलेज में एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी है, वो बाहर लगा हुआ है जहाँ से समय काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है ना। तो ये जो येलो बिल्डिंग है ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, और ये जो लेफ्ट में बिल्डिंग है ये तो खैर मुझे कमर्शियल बिल्डिंग लग रही है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आएगा कि मेन हॉस्पिटल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं होती है, वी विल कीप द वीडियो रनिंग, और आप मेरे साथ साथ गाड़ी में देखिएगा कि किस तरीके से हम पूरे कॉलेज को पार करते हुए एडमिन ब्लॉक पर ही पहुँचते हैं, वहीं मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा, और रास्ते में हॉस्पिटल भी आएगा तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। आ जाइए। सो आई होप कि यह सब आपको समझ में आ गया। सो ये है बहुत शानदार, जैसा मैंने कहा, पर देखिए हिली एरिया है। मैं हमेशा कहता हूँ OPD उतना नहीं होगा जितना एक प्लेन एरिया में होता है, क्योंकि यहाँ लोग बीमारी कम पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जैसा भी है सब बढ़िया है, ठीक है। तो आइए, और सामने आपको नज़र आ रहा है वो सिक्योरिटी पोस्ट है, एंट्री गेट है, वहाँ पर एंट्री हो रही है लोगों की, तो देखते हैं, ठीक है।
ओके सो ये मैंने बेल्ट लगा ली है और मैं आपको एंट्री कराता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि ये बाहर मेडिसिन की शॉप्स हैं, आपको नज़र आ रही है, और मैं गाड़ी वहीं पार्क करता हूँ क्योंकि वहीं पर कैंटीन भी है। और आप फिर से कॉलेज में उधर देखिए, यही रोड जो आगे जाके ना शोलिनी यूनिवर्सिटी जा रही है, जो ये रोड जा रही है ना राइट में, यही शोलिनी यूनिवर्सिटी जा रही है, जो कि एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। और देखिए इट्स अ ब्यूटीफुल, क्योंकि ये हिल एरिया बना हुआ है, आप राइट एंड लेफ्ट से बिल्डिंग्स देखते रहिए, बिल्डिंग क्वालिटी देखते रहिए। यहाँ पर यूजी भी है, पीजी भी है, पीजी क्लिनिकल पीजी है, सारी ब्रांचेज हैं। तो यू कैन इमेजिन 150 फिलहाल एमबीबीएस की सीट्स हैं। ये देखिए राइट हैंड साइड में नर्सिंग का हॉस्टल आ रहा है और लोग अभी आगे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको आते जाते नज़र आ रहे हैं अपने क्लासरूम की तरफ, और मैं चलता जा रहा हूँ। ओके सो ये देखिए आपका स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से पढ़ेगा। जैसा मैंने कहा दोनों तरफ गेट है, दिस इज़ एक्सीलेंट फॉर फीमेल सेफ्टी, कोई इशू ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई बाहर का इंसान आ नहीं सकता। ये बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी लेट मी टेल यू। ये इसके पैर का भी मैं देख ही नहीं पाया अब तक, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा ये खाली एरिया आ गया और ठीक है। अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो आपके बच्चे की सेहत बन जाती है यहाँ पर, इतना वॉक आप करते हो। वैसे टैक्सी वगैरह भी यहाँ मिल जाती है, किसी बच्चे को बाहर जाना है आपको गाड़ियाँ खड़ी नजर आएंगी। देखिए शॉप्स वगैरह है, ये कैंपस के अंदर ही है क्योंकि कैंपस एक्चुअली बहुत ही बड़ा है। और जैसा मैंने कहा गाड़ियों से आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर ओवरऑल माहौल क्या है, भीड़ कितनी है, लोगों की आवाजाही कितनी है, राइट। एक काफ़ी आपको आइडिया लग जाता है, वो आइडिया आप देख पा रहे हैं। सेफ्टी भी है और बाकी सब कुछ भी है, हॉस्टल्स हैं, कॉलेज हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। जब एडमिशन का टाइम आता है तब तो यहाँ पार्किंग में जगह ही नहीं मिलती है। सामने ऊपर देखिए तो आपको एक और नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी विल लिव हेयर, स्टे हेयर इफ वी यू डिसाइड टू जॉइन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। ओके और जैसा मैंने कहा कि अभी एडमिन ब्लॉक आपको में हम पहुँच जाएंगे। हॉस्पिटल की बिल्डिंग थोड़ी साइड पे थी तो वो इस रास्ते में आती नहीं है, वो मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगा अलग से, उसे अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये है ये कॉलेज की बिल्डिंग है और हम ये करते करते पहुंच गए हम, जो मैंने आपको बोला था देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए, और ये है मेन एडमिन ब्लॉक। ओके और यहाँ पर ही हम वीडियो को अंत कर देंगे थोड़ी देर में। लेफ्ट में प्रिंसिपल जी का ऑफिस आएगा, आप वीडियो से दिखा दो थोड़ा सा डिमसी। और ये जो मैं आपको ऊपर सड़क दिखा रहा था ना, ये जो लेफ़्ट में आ रही है सामने जो नज़र आ रही है, ये वो सड़क है जहाँ से मैंने जो आपको बताया था कि लोग आते हैं, राइट। तो यही वो सड़क है जहाँ से लोग आते हैं और यहीं पर पार्किंग आराम से मिल जाती है। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूँ और देखता हूँ जहाँ पर भी यू टर्न की जगह मिलेगी। यही जो रोड आप सामने देख रहे हैं ना, यही वो रोड है जो बाहर से आती है बेसिकली, जो मैंने आपको दूसरा रास्ता बताया था हाइट वाला, और सामने आपको दिख भी जाएगा जो एक हाइट जिसे कहते हैं, और बच्चे जा रहे हैं चढ़ रहे हैं, और यहीं पर एक पार्किंग वार्किंग मिल जाती है आराम से। तो फिर अपनी गाड़ी में यहीं लगा देता हूँ और उसके हिसाब से काम हो जाएगा। ओके सो ये एक अपने को पार्किंग की जगह मिल गई है, यहीं हम गाड़ी लगा देंगे। और ये जो रोड आप सामने देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको दूसरा रास्ता बताया था, और अब लेफ्ट में करिए कैमरा तो आपको नज़र आएगा, एक व्यू नज़र आएगा पूरा एक सिस्टम का, सेटअप का, कि कितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, ठीक है। सो ये कहानी है पूरी, और बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। शायद इससे अच्छा वीडियो आप नहीं देख पाते कभी, जिसमें आपको सारा कॉलेज का एक एरियल व्यू नज़र आ रहा है। ओके
सो फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे, बाय बाय। और हमसे अब संपर्क करना चाहते हैं इस कॉलेज या हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस में जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, MBBS करने के लिए, 9643362320 पे कॉल कीजिए। मैं रिपीट करता हूँ हर वीडियो में, ये कॉल देखिए फ्री ऑफ चार्ज नहीं होती क्योंकि मेरा काम ही यही है। सो 2500 रुपीज़ जब आप टेलीफोनिक कॉल करते हैं, 5000 इफ़ यू वॉन्ट टू कम एंड मीट फेस टू फेस। और उसके बाद जो भी आपका काउंसलिंग पैकेज डिसाइड होता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से आपका काउंसलिंग पैकेज डिसाइड होता है कि हमें आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।